खुशियों के पल में दिखावटी शान और शौकत कई बार मुश्किलों का सबब बन जाती है। लगातार हर्ष फायरिंग से जुड़ी कई दुर्घटनाओं की खबर सामने आने के बावजूद लोग सचेत नहीं होते, और अब एक बार फिर इसी लापरवाही के कारण एक और हादसा हुआ है। जहानाबाद में तिलक समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लग गई। आनन फानन में परिजनों ने उसे गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने पटना PMCH रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही न्यूज कवर करने वहां रिपोर्टर पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने रिपोर्टर के साथ मारपीट कर उनका मोबाइल भी छीन लिया। घटना काको थाना क्षेत्र के एनवा गांव की है। सूचना पर सदर अस्पताल में नगर थाने की पुलिस भी पहुंच गई। घटना को लेकर ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि एनवा गांव निवासी अशोक सह के यहां तिलक समारोह था। इसी दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें विनोद सिंह नाम के व्यक्ति को गोली लग गई। बताया जाता है कि तिलक समारोह के दौरान आर्मी के रिटायर्ड जवान ने सिक्सर से फायरिंग कर दी। इसी में पास में बैठे व्यक्ति के पेट में गोली लगी, जिसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना PMCH रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर नगर थाने की पुलिस भी सदर अस्पताल पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से परहेज करते दिखे। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। काको प्रखंड के अंतर्गत काको ग्राम में अशोक कुमार सिंह के बच्चे की तिलकोत्सव समारोह चल रहा था। हर्ष फायरिंग कही है, जो कही उसी में गलत से एक ग्रामीण को लग गया है, जिनका नाम विनोद कुमार सिंह है। वो घायल हो गए और उसके बाद स्थानीय सदर अस्पताल में उनको लाया गया, जहां से इनको रेफर कर दिया गया है पटना के लिए। कहां तिलक चल रहा था सर? एनवा ग्राम में। कहां से तिलक आए थे तो हम भी नहीं बता पाएंगे। किनके यहां था सर तिलक? अशोक गांव के। अशोक, अभी क्या स्थिति है सर, इनको गोली लगी? डॉक्टर तो रेफर किए हैं, कहां कुछ नहीं कह सकते। कहां गोली लगी है सर? पेट में।